शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। काटोल विधानसभा क्षेत्र में 4 सूती खरीद केंद्र का उद्घाटन 20 मई की दोपहर किया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री नितिन राउत की यहां से 5 किलोमीटर दूर खुर्सापार ग्रुप के पास निर्मल यान फैक्ट्री में किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व विधायक गिरीश गांधी, जेडीपी सदस्य चंद्रशेखर कोल्हे, सलील देशमुख, समीर उमप, जेडपी के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले, काटोल पंचायत समिति के अध्यक्ष धम्मपाल खोबरागड़े, नरखेड़ पंचायत समिति के अध्यक्ष नीलिमा रेवतकर और पंचायत समिति सदस्य जिला कलेक्टर रविन्द्र ठाकरे, महासंघ के जयेश महाजन, कृषि उपज मंडी समिति तारकेश्वर शेलके और निदेशक भास्कर पारत, पूर्व उपसभापति योगेश गोतमारे और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। निर्मल उज्ज्वल सुदगिरनी सुमंताई के बाप नीला व्यास की मौजूदगी में चौथी फसल में शॉपिंग सेंटर की कपास पर्वत काटोल असेंबली खरीदना शुरू की गई है। काटोल नरखेड़ तहसील के कपास उत्पादकों ने अपने कपास को बेचने के लिए काटोल नरखेड़ में बड़ी संख्या में पंजीकरण किया था, लेकिन मंदी के कारण किसानों ने अपना कपास नहीं बेचा। काटोल नरखेड़ में सरकार द्वारा शुरू किए गए कपास खरीदी केंद्र की संख्या भी कम थी। खरीफ की बुआई के फसल का समय आ गया था, फिर किसानों के घर में कपास भी भरमार है। इसके लिए किसानों ने जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख से कपास खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की। इस गंभीर मामले को देखते हुए सलील देशमुख ने विपणन और सहकारिता मंत्री और अधिकारियों के साथ नए कपास केंद्र शुरू करने के लिए चर्चा की मांग मान ली गई है। इसके लिए किसानों ने जेडीपी सदस्य सलील देशमुख के साथ अधिकारियों की बैठक को सफल माना है। इसके बाद सलील देशमुख ने कहा कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में और काटोल विधानसभा क्षेत्र में 4 नए कपास खरीदी केंद्र शुरू किए जाएंगे।